वाले
अपने लोगों से जरिए से बस ऐसा कई ऐसा होकर कई मतलब करोड़ रुपए कई अरबों रुपए बिल दे रहे हैं चोरी दे रही है। उसी बात जो मैं साहब आसम अली साहब से वो जितनी बात कमी है तो मैं अपने माननीय की विधानसभा में से उनसे मैं रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ऐसा करें जैसे तालिबान ने पिछले महीने 200 अरब डॉलर कितना 200 अरब डॉलर उन लोगों से इकट्ठा किया जिन्होंने पैसे दबाए हुए थे। मैं आसम अली साहब से और रिक्वेस्ट करता हूँ और बाकी जो विधानसभा से रिक्वेस्ट करता हूँ आप भी इन दो लोगों के बारे में पैसे लूटे हुए जिन लोगों के पास हैं चाहे वो दरबारी के हैं चाहे वो नवाजी के हैं चाहे इमरान के हैं जिसके भी बंदे हैं उन्हें तकबीर तकबीर के ये साहब दे हम नहीं मानते के ये साहब दे हम नहीं मानते सभी बिल ना मंजूर सभी बिल ना मंजूर सभी बिल ना मंजूर सभी बिल ना मंजूर। ऐसा है कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी इन लोगों सब को बंद करें और उनसे पैसे लें। ये 180-130 अरब डॉलर है और आशा है कि 230 अरब डॉलर पर इकट्ठा हो जाएगा समा लेंगे अगर बोला। मैं मौलाना समीर बादशाह साहब का शुक्रिया मौलाना फैज़ुर रहमान साहब को मैं कुछ अपील करता हूँ और मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने सच्ची राय रखें इन बिलों के हवाले से। हम आइंदा का ये राय अमल आप सबकी राय में तय करेंगे। मौलाना फैज़ुर रहमान साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आपके सामने मिठाई वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों दोस्तों और भाई हो आप जानते हैं कि इस वक्त के अंदर जालिम हुक्मरानों के खिलाफ सरापा इंतजार है जिन्होंने बिजली के बिलों में नाजायज इजाफा किया है। जब तक ये इजाफे खत्म नहीं होते उस वक्त तक ये पूरे मुल्क के अंदर इंशाल्लाह एहतजाज जारी रहेगा और हमारा भी एहतजाज इंशाल्लाह जारी रहेगा। आप हजरात से गुजारिश होगी कि जब तक हम अपने हक हकूक के लिए नहीं निकलते उस वक्त तक ये हुक्मरान हमारे बारे में कभी भी एहसास नहीं कर पैदा करेंगे। ये जब तक हम बेदारी का सबूत नहीं देंगे तयक्कुल का सबूत नहीं देंगे उस वक्त तक ये गैरत में आने वाले नहीं हैं। इन बेगैरतों ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया है बड़े मजालिम ढाए हैं। आज एक आम आदमी के लिए आटा पूरा करना मुश्किल हो गया किराए पूरे नहीं हो रहे और इससे बढ़कर जो बिजली के बिलों में इजाफे मुसलसल किए जा रहे हैं उसके खिलाफ ये आवाम सरापा एहतजाज है। इंशाअल्लाह अगर हम बेदारी के साथ पूरे तयक्कुल के साथ इस एहतजाज में हिस्सेदार बनेंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि इन हुक्मरानों को एहसास होगा। इसके साथ साथ मैं एक बात और आप हजरात से अर्ज करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक बात का मसला नहीं है बिजली के बिलों का मसला नहीं है ये पूरे निजाम का मसला है। जब तक हम इस निजाम के खिलाफ बगावत नहीं करेंगे इस निजाम के खिलाफ नहीं उठेंगे उस वक्त तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। याद रखना तमाम मसाइल का हल इस्लामी निजाम के अंदर है तमाम मसाइल का हल खिलाफत रास्ता के निजाम के अंदर है उसके लिए मैं और आप भरपूर किरदार अदा करें। अभी चंद दिनों के बाद इनकी दोबारा जो है ये कंपेयर शुरू होने वाली है बराए मेहरबानी मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा इन पार्टियों के बुतों से निकलो और आजादी के साथ अपने जमीर का वोट दो जहां आप ये समझते हैं कि हमारा ये कैंडिडेट और हमारा ये हुक्मरान तबका हमारे हुकूक का मुहाफिज होगा हम उसको मुंतहब करके असेंबली के अंदर लाएंगे जो हमारे हुकूक की बात करेगा। ये ना हो कि वो हमारी वोट की पर्ची से ऊपर आए और हमारे ऊपर जुल्म करे और अपनी जेबें भरता रहे और अपनी औलाद के हवाले से सोचता रहे। इस वक्त की सूरत हाल आपके सामने है कि हमारा हुक्मरान तबका जितना भी है वो इतनी अयाशियों के अंदर है अगर उसकी साथ नस्लें भी खाती रहे तो उनके लिए कोई परेशानी नहीं है लेकिन आज ये गरीब आवाम जो बेचारा एक रेहड़ी पान है और मजदूरी करता है जिनको दिहाड़ी लगाता है वो आज आटे के लिए तरस रहा है वो लाइनों में लगकर यूटिलिटी स्टोर के सामने पूरा दिन गुजार देता है लेकिन उसके हल के लिए कोई नहीं सोचता। तो यह हमारे हुक्मरानी के हाल नहीं है
इसके साथ साथ हम अपने अमाल पर भी तवज्जो दें, अल्लाह की तरफ रुजू करें, हम अपने अमाल को दुरुस्त करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे अच्छे अमाल की वजह से अल्लाह हमारे ऊपर अच्छे हुक्मरान मुसल्लत करेगा, जो हमारी भी सोचेगा और अवाम भी सोचेगा, अपने एतबार से भी कोई संदार से वो किरदार अदा करेगा। इसके लिए इंशाअल्लाह ये एहतजाज जारी रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला राय साहब और दीगर जो इसको ये प्रोग्राम तरतीब देने वाले हैं इनको अल्लाह ताला जिदाय खैर अदा फरमाए। बाखर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस हवाले से मैं राज भाई से मुख्तसर ये आपसे बात करेंगे, उसके बाद हम बिल चलाएंगे और अगला लाए अमल उसका ऐलान करते हैं। सबसे पहले तो मैं मौजूदीन इलाका जो आज तशरीफ लाए आपका बेहद मशकूर हूँ, जो आप बड़ी शॉर्ट नोटिस में यहाँ पर जमा हुए, उसके बाद सारा एजेंडा आपके आपके पास लाइन क्या एडवोकेट साहब ने रख दी है, इंशाल्लाह इस पे भरपूर लाए अमल बनाया जाएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये एक मेरा या क्यारी साहब का कॉल नहीं आए हैं, घंटे आए हैं, बोल भी आए हैं, जो भी आया है अपने जेब भरे हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उनके बच्चे भी बाहर पैदा होते हैं, सब कुछ बाहर होता है, और साझा जो IMS के कर्जा जो चढ़ा हुआ है इन बगातों की वजह से चढ़ा हुआ है, सबसे बड़ा वो IMS का कर्जा जो चढ़ा हुआ है सब इनकी वजह से चढ़ा हुआ है, पैसे सुंदरगंज में बैंक में रखे हुए हैं, मुल्क में पैसे आज अल्लाह जी आपका हमने भरपूर शिरकत की। अब इस हवाले से हम ये सारे इस बात में मुस्तहक हैं कि हम इस माह बिल जमा नहीं कराएंगे, हम इस पर मुत्तफिक हैं कि IMF की गुलाबी चल के ये साथ से हम नहीं मानते। मैं तमाम दोस्तों और तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग हमारे साथ खड़े हैं, और ये हमारा मसला नहीं है, अब हर घर का मसला है, जहाँ तक मसला है कि हमें सस्ती बिजली देने का, ये लोग मुफ्त बिजली दे सकते हैं अपने गुमानों को हमसे टैक्स वसूल करके, हमें सस्ती बिजली नहीं दे सकते, और क्या क्या हर घर में हमने MPA सबको कोटा मिल रहा है, सबको जो ना कोटा मिल रहा है, और हमें जो ना कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, इस वजह से हमें जरूरी लोग फॉल किया जा रहा है, उल्टा हमें जो ना हमसे टैक्स लेकर हमें महंगी बिजली दी जा रही है, ये चोर थे चोर है और चोर रहेंगे, आज से हम लोग ऐड कर रहे हैं तमाम लोग जो ना यहाँ पे खड़े तमाम भाई ऐड कर रहे हैं, हम लोग एक हो के इंशाल्लाह एक जान हो के आज के बाद इनके खिलाफ भरपूर तरीके से ये मुहिम चलाएंगे। उसके अलावा ज़ैद भाई जो हमारे भाई हैं माशाल्लाह इन्होंने बहुत ही अच्छा काम शुरू किया, और हमारे साथ माशाल्लाह ये मेरे बहुत प्यारे भाई हैं और इनके माशाल्लाह बेटे फरमदा, इन लोगों ने कदम उठाया और इंशाल्लाह इनके साथ हम कदम से कदम मिला के चलेंगे। तमाम दोस्तों तमाम भाइयों को अपने एकदम मान रखे ये पहले बिल चलाए ना आप आखिर में मुजाहरे का पूरा काम हाथों से ऊपर करके दिलाए ना करेंगे। हमारा आज का ये मैसेज जहां पूरे तमाम पंजाब और मंडी में एहतजाज हो रहे हैं उनके साथ जाकर हमारा मैसेज और मीडिया के जरिए वो मैसेज पहुंच चुका है कि हलियाने टोक कला खान अब बिजली का बिल जमा नहीं करवाएंगे और बिजली की कीमत के बराबर हमें बिल भेजा जाएगा, हम बिल जमा करवाएंगे इंशाल्लाह। और इस लाइमल के हवाले से हम एक बड़ा जलसा एक बड़ा धरना बाटा के दफ्तर के सामने मरी रोड में रखेंगे, आप सब रास्ते में रहें और हमारे साथ शाना बजाना हो, हम एक कमेटी बनाकर इंशाल्लाह इतवार को हम उलमाए कराम और अंजुमन तराजान को बुलाकर एक कमेटी बनाते हैं और हम सारे इकट्ठे होंगे। मैं इस मुजाहरे के इख्तिताम पर इस पुरअमन मुजाहरे के इख्तिताम पर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। एलियाने टॉक कला खान एलियाने टॉक कला खान बाइकॉट 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 बाइकॉट
बाइकॉट। मौलाना साहब से गुजारिश करूंगा कि